प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा सहाचार्य जेनोलॉजी। आज हमारी चर्चा का विषय है पंच समवाय। बीए थर्ड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र का यह टॉपिक है। सभी धर्म दर्शनों में प्रत्येक घटना कार्य के पीछे निहित कारण को जानने का प्रयास है अपनी अपनी दृष्टि से किया गया है। वे दर्शन जगत में वाद के रूप में प्रतिपादित हैं। इनमें प्रमुखतः पांच वाद प्रचलित हैं। जो निम्नलिखित हैं, कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, कर्मवाद और पुरुषार्थवाद। एक एक करके हम देखेंगे, इन पर विचार करेंगे। पहला है कालवाद। कालवादी विचारक एकमात्र जगत का कारण काल को मानते हैं। इसके अनुसार अतीत, अनागत और वर्तमान की समस्त घटनाएं या पदार्थों का निर्माण काल के द्वारा ही होता है। इनका कहना है कि जो भी कुछ घटना घटती है या जो भी कार्य होता है उसके पीछे मूल कारण समय का होता है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, बीज बोते ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसमें समय लगता है, काल लगता है। इससे संदर्भित हिंदी में भी दोहे हैं, माली सींचे सौ घड़ा, फल लागे अति दूर। यदि एक माली है वो रोज पेड़ में पानी डाले, लेकिन उसके पानी डालने से ही वह पेड़ फल नहीं देता, वह फल देता है अपने समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार। जब जिस ऋतु में उसको फल देना होता है उसी समय वह फल देता है। यानी प्रत्येक घटना या कार्य के लिए समय की अपेक्षा होती है, काल के बिना कुछ होता नहीं है। दूसरा है स्वभाववाद। इसके अनुसार सब कुछ कालकृत नहीं, स्वभावकृत होता है। वस्तु के स्वभाव अनुसार परिणमन होता है। जैसे अग्नि उष्ण, जल शीतल होता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। केवल भारत की ही पक्षी आकाश में नहीं उड़ते, केवल भारत में ही मछलियां जल में नहीं तैरती, अन्य देशों के भी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अन्य देशों की भी जो जलचर जीव हैं वो जल में तैरते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है, स्वभाव ही जीवन का संचालक है। इसमें इनके अनुसार काल का कोई हाथ नहीं है, समय का कोई रोल नहीं है। पंच समवाय में तीसरा जो वाद है नियतिवाद का। नियतिवादियों की मान्यता के अनुसार जो भी घटना घटती है या जो भी कार्य संपन्न होते हैं, संपादित किए जाते हैं, वे सब पूर्व नियत या निश्चित होना माना गया है। मनुष्य का हाथ इसमें कुछ नहीं है, काल की कोई भूमिका नहीं, स्वभाव की कोई भूमिका नहीं, सब कुछ नियत होता है। नियति में, नियति ने या विधाता ने जैसा विधान किया है उसके अनुसार घटनाएं घटती हैं। इसमें किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, ऐसा नियतिवादी मानते हैं।
जब जहाँ जैसा होना होता है तब वहाँ वैसा होकर रहता है, जो नहीं होना होता वह चाहने पर भी नहीं होता। इनके अनुसार विधि के विधान टालने में मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई भी इसे संदर्भित है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, ताहि तहां लय जाई पही और ताहि तहां लय आई। जैसी भवितव्यता होती है वैसी होनी होती है। कभी मनुष्य घटना के पास चला जाता है या घटना ही मनुष्य के पास आ जाती है। घटना जो घटित होने वाली होती है वो मनुष्य के पास आ जाती है, या कभी मनुष्य ही वहाँ चला जाता है, घटना घट जाती है। कितना भी मनुष्य चाह करके भी उसको टाल नहीं सकता, ऐसा नियतिवादियों का कहना है। इनके अनुसार जब सूत का गोला हाथ से गिरता है तो खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है। उसी प्रकार नियति में जो कुछ लिखा हुआ होता है काल बीतने पर, समय बीतने पर स्वतः घटित होने लगता है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैन दर्शन में इसे निकाचित कर्म बंधन की स्थिति मानते हैं। चौथा वाद है कर्मवाद का। कर्मवादी जगत के वैचित्र्य या विचित्रता का कारण कर्म को मानते हैं। जगत का वैचित्र्य का अभिप्राय कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, किसी के पास धन इतना है कि कहाँ रखें, इसी के लिए वह बेचैन होता है, परेशान रहता है, और किसी के पास सुबह के खाने का अनाज है, रोटी की समस्या का समाधान सुबह की है तो शाम की नहीं है, शाम के लिए वह सोचता है कि शाम को हम कहाँ से ले आएंगे, कैसे खाएंगे। तो ये सब जगत की विचित्रता है। कर्मवादी मानते हैं कि इस विचित्रता का कारण एकमात्र कर्म है। कर्मफल की प्राप्ति पूर्वार्जित कर्म संस्कार से होती है। जैसा मनुष्य पूर्व जन्म में कर्म किया है उसका फल अगले जन्म में भी उसे मिलता है। ईश्वर भी कर्म के अनुसार फल देता है। ईश्वर भले ही कर्माध्यक्ष है किंतु कर्म के अधीन ईश्वर भी है। ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाता कर्म के आगे, वह भी नतमस्तक रहता है, झुका हुआ रहता है। कर्मवादी तर्क देते हैं कि नीम का बीज बोकर आम का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम आम का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आम का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलेगा, नीम का बीज बोएंगे तो नीम का फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो उसका फल भी खराब मिलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अतीत का किया हुआ कर्म का फल भी इस जन्म में मिलता है और इस जन्म का किया हुआ कर्म का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा इस संदर्भ में जागरूक रहें और अच्छा कर्म करें। पांचवा वाद है पुरुषार्थवाद। पुरुषार्थवादी जगत का मूल कारण काल को नहीं मानते, स्वभाव को नहीं मानते, नीतिवाद पर भी उनका विश्वास नहीं, कर्मवाद को भी वो मानते नहीं हैं, वो पुरुषार्थवाद पर भरोसा करते हैं। जैन दर्शन पुरुषार्थवादी है। जगत का मूल कारण व्यक्ति का पुरुषार्थ है। बिना कर्म किए किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। कर्मवाद और पुरुषार्थवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज का किया हुआ कर्म, पूर्वार्जित कर्म, आज का पुरुषार्थ ही अतीत में हमारा कर्म बन जाता है। पुरुषार्थवाद के अनुसार बिना कर्म किए किसी भी क्षेत्र में सफलता न किसी को मिली है और न किसी को
मिलेगी। ये जैन दर्शन का पुरुषार्थवाद है। हालांकि जैन दर्शन केवल पुरुषार्थवाद पर विश्वास नहीं करता, वो पंच समवाय को मानता है। जैन दर्शन के अनुसार किसी भी कार्य या किसी भी घटना के निष्पत्ति में कोई एक कारण नहीं होता, अपितु कारण समूह का योग होने पर कार्य संपन्न होता है, सफलता मिलती है। इसी को पांच समवाय या पंच समवाय कहा गया है। जैन दर्शन का दृष्टिकोण कारण कार्य के इस संदर्भ में समन्वय आदि रहा है। पांचों समवाय के योग होने पर कार्य निष्पन्न होता है, सफलता मिलती है। इसके अनुसार सभी सापेक्ष हैं। काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ, ये सभी सापेक्ष हैं। किसी के योग, किसी के एक से सफलता नहीं मिलती। पांचों के योग होने पर कार्य या घटना संपन्न होती है, निष्पन्न होती है। जैन दर्शन का हमेशा विश्वास पुरुषार्थवाद में रहा है। महावीर ने कहा है, नो निहज वीरियम, अपनी शक्ति का गोपन मत करो। पुरुष तू पराक्रम कर, अपनी शक्ति का गोपन मत कर। बंधन और मोक्ष दोनों तुम्हारे ही अधीन है। बंध पमोखो तुझम अजथीव, बंधन और मोक्ष तुम्हारे ही अधीन है। पुरुषार्थ से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। वर्तमान का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। वर्तमान का पुरुषार्थ कल यानी भविष्य में वो भाग्य के रूप में उभरता है, उसी का भाग्योदय होता है जो पूर्व में पुरुषार्थ किया रहता है। इसलिए जैन दर्शन का दृष्टिकोण यहाँ पंच समवाय में समन्वय की रहा है। एक किसान कृषि कर्म करता है, जैसे कृषि कर्म करने में उसे सफलता मिलती है, उसमें पांचों का योग होता है। काल, खेती के लिए वर्षा, जिस समय सिंचाई के साधन सुलभ हो, दो चार महीने का समय भी अपेक्षित है, यानी समय का योग होने पर कृषि कर्म सफल होता है। काल का योग नहीं हो, ग्रीष्म ऋतु में यदि वह फसल बोएगा तो नहीं होगा, बरसात ऋतु चाहिए उसके लिए, दो चार महीने का समय चाहिए, तब जाकर के फसल बोने पर अनाज उत्पन्न होगा। स्वभाव, गेहूं या बाजरे की फसल के लिए इन चीजों को निष्पन्न करने वाले बीज भी अपेक्षित हैं। जो फसल हम बोना चाहते हैं वैसा हमें बीज भी मिलना चाहिए। कर्म, संचित शुभ कर्म अथवा भाग्य की अनुकूलता भी अपेक्षित है। संचित शुभ कर्म अथवा भाग्य की अनुकूलता, सब कुछ मिलने पर भी कई बार भाग्य ठीक नहीं रहता है, संचित कर्म सही नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। एक जगह पर कुंती महाभारत की कुंती वन की कोई स्त्रियां कुंती वन की स्त्रियों से कह रही थी कि हमारे पांच पुत्र हैं और पांचों कोई धनुर्धर है, कोई अतुलनीय बलशाली है, कोई विद्वान है, कोई ज्योतिषी में निष्णात है, कोई कम नहीं है, फिर भी आज हम उनके साथ वन वन